हैं। अगली खबर की बात कर लेते हैं, छत्तीसगढ़ को दो और नए जिले मिलने जा रहे हैं। सक्ती मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर नए जिले होंगे। सीएम भूपेश दोनों नए जिलों का उद्घाटन करेंगे। सीएम 9 सितंबर को मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर का उद्घाटन करेंगे। 10 सितंबर को सीएम भूपेश सक्ती का उद्घाटन करेंगे। प्रशासन विभाग ने नए जिले में अधिकारियों की नियुक्ति भी कर दी है। नदीम जुड़े हुए हैं, नदीम नए जिले मिलने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ को, और हम कोशिश ये भी कि अब जल्दी से जल्दी उन नए जिले में अधिकारियों की भी नियुक्ति कर ली जाए। क्या कुछ जानकारी? देखिए, यहाँ पर दो नए जिलों की जो है वो घोषणा यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो है की थी, और अब दो नए जिले जो है वो अस्तित्व में आएंगे। नए जिले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दोनों जिले का उद्घाटन करेंगे। दो नए और जिले छत्तीसगढ़ के नक्शा में जो है इस वक्त फिर जुड़ जाएंगे। चिरमिरी मनेन्द्रगढ़ जो है एक जिला, और जो है सक्ती दूसरा जिला। मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जो है एक जिला होगा, जिसकी 9 तारीख के जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका जो है शुभारंभ करेंगे, और 10 तारीख के सक्ती जिले की जो है यहाँ पर सौगात यहाँ पर देंगे। हालांकि सक्ती जिले की और इन दोनों जिले की घोषणा पहले जो है शुभारंभ पहले हो जाने की जो है वो कार्यक्रम बना था। हालांकि चरणदास महंत जो विधानसभा अध्यक्ष है, जिनका ये क्षेत्र आता है, उस क्षेत्र में वो उनके विदेश दौरे की वजह से इस पूरे कार्यक्रम की तारीखों में जो है बदलाव किया गया था, और अब वो तारीख नजदीक आ गई है, जिसका इन जिले के लोगों को बेसब्री से इंतजार था। 9 और 10 तारीख के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दो नए जिलों की सौगात देंगे। इसी तारतम्य में अगर देखा जाए तो प्रशासनिक कसावट के लिए, क्योंकि नए जिले है उसमें प्रशासनिक अमले के जो है तैनाती भी यहाँ पर शुरू कर दी गई है। कल डिप्टी कलेक्टरों की जो है वो यहाँ पर पारुल नियुक्ति कर दी गई है, इससे प्रशासनिक कसावट जो है लाई जाएगी। तो अगर देखा जाए तो दो नए जिलों की सौगात, फिर छत्तीसगढ़ के दो नए जिलों जो है वो नक्शे में यहाँ पर जुड़ते हुए नजर आ रही है। 9 और 10 सितंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इसका शुभारंभ जो है करेंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए नदीम।